आई होप मेरी वॉइस क्लियर है सभी को. सो आज हमारे लास्ट क्लास है और सबसे मैं फीडबैक लेना चाहूँगी कि कैसा आपको लगा. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोना जी. सो प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ एंड कैमरा ऑन कर लीजिए अपना और प्लीज़ बताएं कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या सजेशन आप देना चाहोगे औरों को. यस प्लीज़. Ma'am, my suggestion would be please everybody join Chi Ma'am's class because she is a wonder teacher और वो हर एक doubt को बहुत अच्छे clearly समझाती हैं, बहुत प्यार से पढ़ाती हैं and she is a wonderful, wonderful teacher. Thank you so much. And everybody please join her play school management course. Okay. So, and I will be every time be touch and with जब भी मैं खोलूंगी उनके साथ मैं टच पे रहूंगी. बिल्कुल. इससे मुझे और भी बेनिफिट्स मिले इस क्लास. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए हाँ जी, वैसे ही ग्रुप बना रहेगा, एवरी वन विल बी टच, ठीक है, मेरे टच में रहेंगे. किसी को कभी भी कोई डाउट है कैनास ग्रुप रहेगा हमारा. और कभी भी ग्रुप में कुछ आइडियाज़ आप शेयर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो फिर ऐसा नहीं कि क्लोज होगा, आप अपने भी टच में बता सकते हैं. और ये बताइए मोना जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्लास से पहले आपका क्या डाउट था, ज्वाइन करने से पहले, और क्लास के बाद आपको अभी लास्ट डे है आपका, तो आपको कितना एक डिफरेंस लगा है? क्लास ज्वाइन करने से पहले मेरे अंदर एक डर था कि आई डोंट नो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी या मैं मैनेज करूंगी. इसी वजह से मैनेजमेंट कोर्स किया ही था. बट आफ्टर द क्लास आई एम फुल विद माय कॉन्फिडेंस और मुझे पूरा सा यकीन है यस आई कैन डू इट. वेरी नाइस. आई विल डू एंड मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस स्टेप हुआ है मेरा. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है. जो डर जो फियर था वो निकल गया है. अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, चाहे आपसे चाहे और कोई भी जिनसे पूछूँगी जवाब देना. कई लोगों को होता है मैम इट्स ऑनलाइन कोर्स, पता नहीं हम आप पे ट्रस्ट करें नहीं करें, पता नहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, ऐसे कई क्वेश्चन मेरे को आते हैं. तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, क्या आपके मन में था ऐसा पहले? वैसे हार्डली अगर 20 एडमिशन करवाते हैं तो किसी दो के मन में होता ऐसा होता है. यस नहीं ऐसा होता है, ऐसा क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉडिंग इतनी होती है. क्या आपके मन में था ऐसा पहले? वैसे हार्डली अगर 20 एडमिशन करवाते हैं तो किसी दो के मन में होता ऐसा होता है. यस नहीं ऐसा होता है, ऐसा क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉडिंग इतनी होती है. कहीं डूब ना जाए बट जो है जब आप कॉन्टेक्ट में आते हो मैम के तो ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट लगता है कि नहीं. जब एग्जैक्टली जब जीपे पैसे होता है तो सही लगता है कि नहीं कहीं पर भी पैसे बेफालतू नहीं जाते. बिल्कुल. एंड शी हैज अ वो भी जो आपका कोर्स मैनेजमेंट कोर्स का प्राइस मनी है रियली वेरी अफोर्डेबल और कुछ ज्यादा के है, इतने में बहुत अच्छा प्राइस है ये. और इससे मतलब इससे ज्यादा ही की क्लासेस दी हैं और दूसरी जगह पर. बिल्कुल. ये आपका बहुत ही रीजनेबल प्राइस है. ओके ओके. सो थैंक यू सो मच मोना जी कि आपने मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया और लोगों को भी मे बी आपकी मैसेज सुन के कई लोग इंस्पायर हों. ठीक है, कई बार हो जाता है मैं किसी का मैसेज इतना क्लिक कर जाता है मन में पता चल जाता है. यस yes, मैं कहना चाहूँगी सभी अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट. सो नेक्स्ट हु विल बी द गिव द फीडबैक? यस साफिया जी. सभी लोग ऑन कर लीजिए. सो मैं साफिया जी पे आती हूँ. यस यस रश्मि जी, अभी जी और प्रज्ञा जी, पद्मश्री जी एंड शिवजी जी, सब जी सभी कर लीजिए ऑन. यस साफिया जी बताइए, लास्ट क्लास है, कैसा लग रहा है? और मुझे तो, मैं तो बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं सही बताऊँ तो. किसी को भी बोलती हूँ ना कि लास्ट क्लास है तो ऐसा लगता है एक हाँ, बट ऐसा फिर भी लगता है कि नहीं yes, मैं कनेक्टेड हूँ, ऐसा ही बात नहीं है क्योंकि ग्रुप बना रहेगा. क्लास है, एक हैप्पीनेस भी है. हाँ यस
एक्चुअली लास्ट क्लास में हैप्पीनेस भी एक कोर्स तो कर लिया है हमने. बट एक होता है ना कि आपसे रोज मिलना हमारा था सीरियस फ्रेंड्स, तो वो नहीं हो पाएगा, कुछ नई चीजें नहीं सीख पाएंगे, अब ऐसा मतलब हो गया है. तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मैं आपसे जो है कॉन्टेक्ट में आई और आपसे मैंने बहुत सारी चीजें की. मेरा तो एकदम इनिशियल लेवल था, मुझे पता था एग्जैक्टली थिंग्स कैसे वर्कआउट होती है, कैसे स्कूल बंद करना है, रजिस्ट्रेशन भी करना है नहीं करना है, ये सारे मुझसे बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जो आपने अच्छे से किए हैं. एंड सभी चीजों को आपने बहुत अच्छे से किया है. हाँ जी. चीजों को आपने बहुत अच्छे से किया है. हाँ जी. तो आप बहुत अच्छे टीचर भी हो. थैंक यू. एंड आपने सबको अच्छे से गाइड किया. आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा चीजों में, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीजें एक्सप्लेन की है, सारी चीजों की पीडीएफ भी प्रोवाइड है. थैंक यू सो मच. बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे स्टार्ट होता है ना, बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि नहीं हमारे साथ कहीं फ्रॉड जाए. मैम तो ऑलरेडी कम ही चार्ज कर रहे हैं, एक्चुअली जो मतलब हाउस वाइफ रहती है इनके लिए उतना भी चार्ज है वो ज्यादा ही होता है. बिल्कुल. बट अगर हाउस वाइफ हो और आपकी कोर्स करना है तो आप बेझिझक होकर करिए ये कोर्स. कुछ टेंशन मत लीजिए, आपके साथ मैम फ्रॉड नहीं करेंगे. बहुत ही अच्छे है, मैम का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है. थैंक यू. सारी चीजें आराम से सीखने मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छी सारी क्लासेस. थैंक यू साफिया जी, इट्स अ रियली मीन्स फॉर मी. थैंक यू सो मच. ओके, नेक्स्ट रश्मि जी से बात करना चाहूंगी मैं. रश्मि जी प्लीज गिव मी योर फीडबैक. और कैसा लग रहा है आपको कि लास्ट क्लास है, और क्या सीखा आपने, क्या आपका पहले एक्सपीरियंस था ज्वाइन करने से पहले? यस प्लीज. तो रश्मि जी दो है हमारे पास, कोई भी. हाँ जी, एक ओपन कर लीजिए. हाँ जी. यस यस मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग डियर मैम. मैंने पहले से ही स्कूल अपना रन करके चला रही हूँ. जब मैं हाँ जी हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है रश्मि जी, अच्छे से आ रही है. हेलो. हाँ जी हाँ जी, मुझे आ रही है. आ रही है, आ रही है. अच्छा मैम, मैं ये मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने शायद से ही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुई थी वीडियो देख के मैम. पहले मुझे आइडिया नहीं था, आपने भी शायद मतलब के बाद ही अपना ये ट्रेनिंग का किया हम लोगों को कोर्स सिखाने का काम. हाँ तो जी. मैंने एक दिन यूट्यूब में आपको ही सर्च, यूट्यूब में तो बहुत सारे थे सर कि आपको अच्छा लगता था. हाँ जी. तो शायद कहीं ना कहीं मैं आप इंस्पायर हुई और मैंने अपना प्लेस रन किया और 80% तक तो मैंने अच्छे से रन किया. 20% जो मेरी जो मेरा बचा खुचा था मैम, जो मुझे नहीं आता था, वो मैंने आप यहाँ हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपका बच्चा भूल. हेलो हेलो बेटा. तो मम्मा के साथ आप भी कोचिंग ले रहे थे हैं, क्या सीखा आप भी बताइए फीडबैक.